जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं, और इसमें हम अभी तक क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है, उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, उनके इन्फॉर्मेशन के आधार पर नई नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे, और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेंड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था, और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही हैं। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई नई चीजें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है, इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतजार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है, और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो सीडीआर का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। इसके अलावा इसमें जितने भी पहलू हैं उनको जल्दी ही पुलिस रैपअप करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन वकाया है उसके लिए आज हमारे पास जो एक्यूज्ड हैं उनको दोबारा से पीसी ऑब्टेन करने के लिए दिल्ली पुलिस पेश करेगी और दोबारा से कस्टडी ऑब्टेन करेगी। 2 एक्यूज्ड हैं उनको अभी हम अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जितना एविडेंस है उसका एनालिसिस करके बहुत ही जल्दी लीगल ओपिनियन हाई लेवल की लीगल कंसल्टेशन करके बहुत ही जल्दी इसमें पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएगी ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आरोपियों का बयानों में विरोधाभास है तो क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है दिल्ली पुलिस? इन्वेस्टिगेशन एक ऑनगोइंग और डायनेमिक प्रक्रिया है, अभी मैंने बताया कि इसमें कुछ पहलू बाकी हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, और अगर किसी तरह की हमें रिक्वायरमेंट हुई तो जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हैं या जो प्रोसेसेज हैं उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। एक हाँ क्या क्वेश्चन? निधि खुद या पीड़िता के बारे में?
जो आई विटनेस है, आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है, उसके जो कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में मैं, मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पी थी या नहीं पी थी। वैसे भी अगर कोई ड्रिंक करता है या नहीं करता है, इस केस में कोई रेलिवेंस नहीं रखता, क्योंकि 304 आईपीसी का केस है, तो वो एक फैक्ट इरेलीवेंट है और वो हमारे लिए कोई बहुत रेलिवेंट फैक्टर। जो दो आरोपी हैं, जो नए, ये कौन लोग हैं, दोनों का नाम सामने है, दोनों का नाम। ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बढ़ चुका है। जो प्राइमरी चीजें थी हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीजें भी अभी बची हुई हैं। तो हम पीसी लेंगे, उसके बाद हमारी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ कैलिब्रेशन होगा, एनालिसिस होगा, लीगल ओपिनियन ली जाएगी, उसके बाद पूरी तरह से एविडेंस कलेक्ट करके हम इसको चार्जशीट करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है, जल्दी होगी। जैसे कि आपको मालूम ही है कि एक तारीख का इंसिडेंट है, आज 5 तारीख है, 5 तारीख की सुबह तक हमने क्या क्या काम किया। हमारी 18 टीम लगी हुई है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की, डीसीपी खुद एसआईटी हेड कर रहे हैं, ज्वाइंट एडिशनल सीपी उसको गाइड कर रहे हैं, और डीसीपी द्वारका भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग एंड कैपेबल ऑफिसर्स की 18 टीम है जो दिन रात काम कर रही है, आप सभी को मालूम है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसमें चार्जशीट लिया। उनकी क्या इसकी क्लियरिटी कर दीजिए कि दीपक अमित का क्या है, आशुतोष और उनका क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट छुपाया। देखिए, इसमें जो दो नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है, गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो मिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें अक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की है। तीन सवाल ये, तीन क्या अमित के पास? मैं सभी का जवाब दूंगा, रिलैक्स कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। इसका एक मिनट, इसे कंप्लीट। जब ये एक्सीडेंट हुआ और जहां गाड़ी लास्ट तक गई, उस दौरान ये दोनों कहीं थे या बाद में ऐड हुए, दो कैसे ऐड हुए? ये दो लड़के जो नए आए हैं, इनका रोल क्या, क्या सिर्फ नाम छुपाया ड्राइविंग के चक्कर में, या जो भी इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट का, उनमें कहीं इनके इन्वॉल्वमेंट के बीच में उतर गए, कार में बैठे थे कि नहीं? एंट्री कहां? मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। इसमें इन दोनों में से कोई कार में कहीं हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं आया है। इन्होंने एक तरह से इनको स्क्रीन करने की कोशिश की है, मिस इन्फॉर्मेशन किया है, इनको हेल्प किया है, जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने इतना ग्रूसम क्राइम किया है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस अपने आप में बनता है। तो इसलिए हमारी बहुत सी टीम्स अभी लगी हुई हैं, इनको भी हम अरेस्ट करेंगे, फिर इनका फर्दर सस्टेन्ड इंटरोगेशन होगा और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था अमित के पास, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं था। अगर बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, फाइनली कुछ उसमें होगा तो हम आपसे फिर शेयर करेंगे। सर,
निधि को लेकर के दो तीन सवाल उठाए। पहला सवाल, एक परिवार कह रहा है कि निधि का रोल सस्पिशियस है, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा सवाल है, निधि की मां कह रही है कि निधि ने खुद ये बताया कि जो गाड़ी को आगे पीछे करके पीड़िता के ऊपर चढ़ाया गया, मृतका के ऊपर चढ़ाया गया, क्या 302 का मुकदमा बनता है। तीसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ, निधि का स्टेटमेंट कितना रिलायबल मान रही है पुलिस, क्योंकि 164 का बयान दर्ज करवाया है। क्या निधि जो इस मामले में सिर्फ एक गवाह है या उसका भी रोल अभी कहीं पर सवाल की घेरे में? अभी तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, इसमें आपको सभी को मालूम है कि आपके दिमाग में भी बहुत से क्वेश्चंस थे, हमारे दिमाग में भी बहुत क्वेश्चंस थे कि ये क्या कोई इसके साथ और था या कहाँ से ये आई थी, लास्ट सीन कौन था, ये सारे तमाम क्वेश्चंस आप भी आपके दिमाग में भी थे, हमारे दिमाग में भी थे। तो इसलिए पुलिस इस मामले में लगी हुई थी। सारी छानबीन के बाद एक हमें पता लगा कि ये लास्ट लोकेशन कहाँ आ रही थी लड़की की, हमने वो स्पॉट आइडेंटिफाई किया, वहां से कुछ हमें क्लू मिले कि यहाँ से ये लड़की किसी और के साथ बैठकर कहीं आ रही है। तो उसके थ्रू हम आई विटनेस तक पहुंचे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज है। इसके साथ साथ जहां पर ये दोनों लड़कियां थी वहां पर जो होटल है उसका रिकॉर्ड है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके नाम बुक है, इसने बुक कराया है, उस तरह की डिटेल हमारे पास है। तो लास्ट सीन हमने इस्टेब्लिश किया, बिकॉज कहीं भी कोई भी जब कोई इस तरह का हादसा होता है, मिसिंग है या कोई मर्डर है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट में कौन था या कोई आई विटनेस है इसका। तो लास्ट सीन को ट्रेस करते हुए हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि जो निधि है वो इसमें एक बहुत अहम विटनेस है। और आप सभी को मालूम है कि इस तरह के केसेस में जो विटनेस होते हैं उनको भी एक तरह से अच्छे से एग्जामिन करना उसको हमारी बहुत जरूरी एक प्रक्रिया है। और जैसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही ये सही एविडेंस है, हमने 164 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है, ताकि कोई ये एलिगेशन आए कि ये पुलिस की स्टेटमेंट है या पुलिस ने इसको ट्यूटर किया है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप सबको मालूम है, वहाँ का प्रोसीजर सबको मालूम है। मुझे खुद पर्सनली उस जो रिपोर्ट है उसके कंटेंट नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट मिल रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। जहां तक उसको बताने वाली बात है या इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है कि नॉर्मली आप कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और या आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा है, समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तो सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड प्रक्रिया है, जब तक कि हम फाइनली चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। और इनफैक्ट उसके बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रोविजन हम रख सकते हैं। इसके अलावा कि इन्होंने अपनी मदर को बुलाया, बताया कि ऐसा हुआ, उस पहलू पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि पूछेंगे कि क्या सिचुएशन थी, क्या वो सही बात है नहीं है, और उसमें क्या एक क्या अटेम्प्ट हुई किसी को इन्फॉर्म करने की या नहीं हुई, वो एक इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम आगे काम करेंगे। क्या निधि ने इस लड़की को बुलाया था, जो मृतका है उसे बुलाया था निधि ने, यही कहानी क्या है, क्योंकि चार लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था पहले, कल परिवार तमाम चीजों पे सवाल भी उठाया था। देखिए, नॉट रेलेवेंट टू इन्वेस्टिगेशन। परिवार यही मांग कर रहा है कि 302 का मामला बनना चाहिए, और जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है वो निधि क्या नया हो सकता है क्या? देखिए, जो जिस तरह से हमारे पास अभी डिटेल आ रही है और इन्वेस्टिगेशन में हमें स्टेटमेंट्स के माध्यम से या दूसरा इंटरोगेशन के माध्यम से पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंट है, इट्स अ वेरी ग्रूसम इंसिडेंट। और इसके लिए कि सही मायने में जो विक्टिम है, अंजलि है, उसको जस्टिस मिल सके, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम
जो एविडेंस है वो कड़े से कड़ा एविडेंस, सख्त से सख्त एविडेंस इकट्ठा करें, और जो बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं उनमें हम चार्जशीट तैयार करें। इसके लिए हमारे पुलिस अधिकारी बहुत जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं, और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ओपिनियन ली जा रही है, और इसमें एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से ये जो केस है हमारे कोई ये कोलैप्स ना करे, फेल ना हो, कोई इसमें कोई लूप होल ना रह जाए इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है, इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से उसके लिए मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत जरूरी होता है, एक एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि CDR और CCTV के एनालिसिस से अक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो अक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। कोई हादसा होता है और उसमें अगर कोई मोटिव या कोई कोई एक इंटेंशन क्लियर कटना हो तो उसमें 302 एस्टेब्लिश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये केस आप देखते हैं, पहले भी इंसिडेंट हुए हैं, एक BMW का इंसिडेंट था, मैटर बहुत हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जाता है। 304, 302, 304A ये लीगल इश्यूज हैं, पुलिस को जो लॉ के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि 304 के लिए फिट केस है, उसके लिए भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने हैं, और वो काफी कुछ हमारे पास आ चुके हैं और काफी एविडेंसेस और अब हम इकट्ठा करेंगे। 304 कोर्ट में टिक पाएगा, इतने सबूत पुलिस इकट्ठा कर लेगी कि जो धाराएं लगाई हैं उनको कोर्ट में, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से पुलिस ने इसमें इतना फास्ट इन्वेस्टिगेशन किया है, और फर्स्ट कोई ही पांचों अक्यूज अरेस्ट कर लिए गए थे, और उसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उनका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, सारे जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, पुलिस को पूरा विश्वास है कि हम इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाने में सफल होंगे। देखिए जो पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंची है जो एविडेंस के आधार पर, इंटरोगेशन के आधार पर, और जब हम 304 का केस अभी धारा इस पे लगी हुई है, तो 304 का मायने ये होता है कि अक्यूज्ड को या किसी भी जो भी क्रिमिनल आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है कि उसको नॉलेज होती है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा या इसको आगे ले जाऊंगा किसी के ऊपर इंसान से तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से, और इसीलिए हमने 304 का केस। देखिए जो MACT की क्या सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, 304 में MACT बहुत रेलिवेंट नहीं रह जाता है, लेकिन एक ये है कि एप्लीकेबल इसमें रेलिवेंट सेक्शन MACT के वो भी होंगे, बट एक ये है कि एक ड्राइवर एज ए ड्राइवर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसको पुलिस को बताए, जो इस केस में इन अक्यूज्ड ने पुलिस को नहीं बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे कोई एक्सीडेंट किया है, इन्फॉर्मेशन को छुपाया है। तो जितने भी स्ट्रिक्ट पॉसिबल एक्शन एक्ट्स हैं और सेक्शंस हैं पुलिस वो लगाएगी। एक मिनट, आपको मैं मौका दे चुका हूँ, मेरे तो जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है का, वो किस पॉइंट का है और वो किधर की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए इन्वेस्टिगेशन किस तरफ अब जाएगा? कॉन्स्पिरेसी इस चीज की नहीं है कि कोई किसी कोई मर्डर है, कॉन्स्पिरेसी है कि क्राइम किया है उसको छुपाने में, उसको उस तरह से कि किसी को पता ना लगे,
उस तरह की कनाइवेंस से 120B या 34 IPC की जो भी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस आएगा उस पर हम चार्जशीट करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कहीं न कहीं उनको मालूम था कि ये ऐसा ऐसा कोई ह्यूमन बॉडी है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। और मुझे एक सवाल है सर, एक सवाल सागर साहब, एक सवाल, ये सर जो इंसिडेंट हुआ था, जो पांचों लोग थे इनकी जैसे गिरफ्तार भी कैसे कैसे हुआ, ये सब सवाल नहीं बताया था कि कैसे पांचों घर पे थे या भागे क्या था। दूसरा सवाल सर ये, किस मामले में जिस तरह थोड़ा हंगामा मचा, हल्ला हुआ सारे को लेके, बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या इस केस को लेकर आप फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं सर? बिल्कुल, इसमें जो भी लीगल प्रोसेस है फास्ट कोर्ट में जाने का, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। गिरफ्तारी वाला पांचों भी गिरफ्तारी, देखिए जो मैं आपको डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो बिंदु हैं उनको मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं मोटे मोटे आपको ये पॉइंट्स बता सकता हूं कि जो एक्यूज्ड थे उनका हमने पूरा मैपिंग की है कि उनकी CDR की लोकेशंस के आधार पर, और CCTV इंडिपेंडेंट CCTV, जैसे कहीं एक पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, कहीं पर वो खाना खाने के लिए गए हैं, कहीं वो खाना खाने के लिए उतरे हैं, तो वो जो एविडेंस हैं और CDR डिटेल्स के आधार पे और इंडिपेंडेंट इंटरोगेशन और कोराबोरेशन के आधार पर हमने लोगों को अरेस्ट किया है। और इसी सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पर आपके सामने, हमारे सामने हमें शक हुआ कि जो ये क्लेम करता है कि ये ड्राइवर है, वो हम इसी इंटरोगेशन और एविडेंस के आधार पर सामने ला पाए, ताकि जो सही एक्यूज्ड है, क्योंकि किसी भी केस में जब ट्रायल होती है तो वहां पर एविडेंस देखा जाता है, और जो सही एविडेंस नहीं है तो इमीडिएटली वो केस फ्लैग करता है। सवाल है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने PCR कॉल करी है और सारी टीम है, जो सारे जर्नलिस्ट है, एक सवाल भी कर रहे हैं, और ये हो रहा है कि PCR कॉल आंसर नहीं हुई सही समय पर, अगर हो जाती तो शायद इतना ब्रूटल नहीं होता है पूरा किस्सा। तो क्या कोई इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं आप लोग, जिन्होंने PCR कॉल आंसर करने के बाद एक्शन नहीं लिया, कुछ उन पर भी एक्शन लेंगे ताकि कड़ा संदेश जाए कि आगे से अगर ऐसे PCR कॉल आए तो उसे थोड़ा सख्ती के साथ, थोड़ा सीरियस तरीके से देखा जाए? सवाल तो पुलिस के लिए। देखिए, जितनी जानकारी मुझे है, मैं अभी जो ब्रीफिंग आप लोगों को कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे कर रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट है, दिल्ली पुलिस इसको लेकर जो पुलिस PCR का रिस्पांस है उसको लेकर एक इंटरनल इंक्वायरी कर रही है, इसके ऊपर डिस्कशन इंटरनली हो रहे हैं कि ये जो रिस्पांस था वो एक ह्यूमन एरर था या एक प्रोसेस की वजह से इसमें एरर हुआ है। अगर इसमें ह्यूमन एरर है तो उन लोगों को जो भी अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, एक्शन होगा, वो होगा। और जो प्रोसेस की कमी रही है उसमें हमारे प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वी आर वेरी मच लुकिंग इनटू इट। और जैसा आप सभी को मालूम है कि दिल्ली पुलिस जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसमें ट्रूथफुल एग्जामिनेशन करके और उस चैलेंज से और उस गलती से हम कुछ नई चीज सीखते हैं ताकि हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो सके। आप सभी को मालूम है कि वो नव वर्ष की रात थी और जितने भी ऐसे बिजी मार्केट्स एरियाज होते हैं, मॉल्स होते हैं, जहाँ पे हाई फुटफॉल होता है, तो जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है थोड़ा सा वो डायनेमिक होती है, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे हम डिप्लॉयमेंट पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कई बार उन एरियाज में जहाँ पे आपको लगता है कि डिप्लॉयमेंट कम है, कई बार हमें वहां पे बढ़ानी पड़ती है, कई जगह आपको लगता है कि यहां ज्यादा है, कई बार हमें कम करनी पड़ती है। तो वो डायनेमिक डिप्लॉयमेंट है, PCR का जो मैकेनिज्म है उसमें कोई प्रोसेस की कोई कमी है या कोई हमारे ऑफिसर्स की कमी है, ट्रूथफुली दिल्ली पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है और उसमें जो भी एक्शन अप्रोप्रिएट होगा वो सीनियर लेवल पर उस पर एक्शन जाएगा। उसके ठीक 30-40 सेकंड के बाद PCR वहां से गुजरती हुई दिखी, ऐसा भी आया, तो आप मानते कहीं ना कि लैब से? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जिस 30 सेकंड की बात आप कर रहे हैं उस 30 सेकंड में अभी तक कोई लैप्स नहीं आया, इनफैक्ट उसमें बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। जैसे ही उसने PCR ने, हमारी ERV ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है,
स्कूटी को उसने के बारे में अपने SHO को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है, उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है, उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जिस जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है, वहां पे जो ऑनर है स्कूटी का वहां नहीं मिलता है, और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का रिस्पॉन्स ठीक नहीं था, वी वर नॉट लकी डेट डे कि वो अगर हमारी ERB थोड़ा सा पहले उसको देख लेती तो प्रोबेबली इस लड़की की जान चली जाती, लेकिन दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जब एक किसी ERB ने देखा ही नहीं तो ये उसको ये कहना कि जी कमी रही है, मैं उस पॉइंट पर आपको समझा गया। कितना टाइम अब तक आ रहा है पूरी जांच में, कितने घंटे तक वो गाड़ी घूमती रही, इसका पता चला का सप्लीमेंटरी भी है, 4 किलोमीटर बहुत सारा कंफ्यूजन है पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या है, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, बाकी अब तक शुरुआत क्योंकि अभी तक सिर्फ हियर से पे कितने बजे ये सीसीटीवी आ गया है, कितने बजे घटना हुई। देखिए हमें बताता हूँ जी कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या CCTV फुटेज है उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है, बट मैं आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा, तो हम यहां तक पहुंच गए। मैं ये भी कह सकता हूं कि 2:05 पे हुआ है, तो आप उससे बहुत आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर हम 2:05 मानते हैं तो अगर हम स्ट्रेच करते हैं जबकि बॉडी मिली है कहीं पर एक्चुअली, तो वो 4:15 के आसपास का टाइम है, एग्जैक्ट नंबर टाइम मैं रिमेम्बर नहीं कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बॉडी ड्रैग की गई है और वो जो स्ट्रेच है आप सभी को मालूम है वो हरियाणा को जाता है, वो रोड जोनती बॉर्डर है, तो रात का टाइम है, PCRs हैं वहां पर, तो जैसा कि मैंने बताया कि उस रिस्पॉन्स में जो भी अगर हमारे को इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है तो हम उसको इंटरनली स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिकली, उसको हम इम्प्रूव करेंगे, और जहां कोई ह्यूमन एरर है और कोई है तो उसके ऊपर भी अप्रोप्रिएट एक्शन। अंकुश क्या फरार है, अंकुश क्या सर फरार, हाउ मच किलोमीटर शी वाज ड्राइविंग। देखिए जो एरिया जो डिस्टेंस है वो लगभग 10-12 किलोमीटर का है, लेकिन कितने किलोमीटर एक्चुअल ड्रैग की मेरे लिए बताना अभी संभव नहीं। सर वन ऑफ द शो 4 में स्केटिंग का फरार है, हम ये मान ही चले क्या दोनों एक्सीडेंटिंग है पुलिस के, सर अंकुश अंकुश आप लोग की डिटेंशन में नहीं, अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। सर सर गाड़ी आशुतोष की थी ये बात, क्योंकि सर हम लोग भी गए थे उसके घर, आशुतोष के घर भी जा चुके हैं और उसके अंकुश घर भी, लेकिन वो देवर मतलब ना पुलिस के पास है ना घर के किसी सदस्य, तो वही तो मैंने बताया कि अगर अगर आप मेरे हमारे पास होते तो मैं बता देता हाँ। और अगर आपके पास है तो आप बता दीजिए। अंजलि का मोबाइल मिल गया सर, अंजलि का मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल फोन सर जी। सर एक फुटेज में चारों लोग निकलते हुए दिख रहे हैं, क्या ये वही लोग चार लोग हैं? देखिए फुटेज इमर्ज हो रही है, ठीक है, हम भी उनको एनालाइज कर रहे हैं और उसी के फुटेज के आधार पर हमारे जो क्लू हैं वो डेवलप होते हैं या कोऑपरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन होती है। सर आप दोष का एक बार रोल बता दें एक्जैक्टली क्या है, क्या उसने सबूत क्या जो ब्लड वगैरह साफ करी, क्योंकि उसी की गाड़ी थी, उसके घर पे गाड़ी लगाई लोगों ने और फिर वो लोग भाग गए पास। देखिए अभी जो इंटरोगेशन होगी उसके बाद ही हम आपको थोड़ा सा इसमें और बता पाएंगे। क्या मोटिव रहा होगा 2 घंटे चलती रही गाड़ी, पता था उसके बावजूद? देखिए अब ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने जैसे कि बताया कि इसीलिए हमने 304 IPC ऐड किया। सर जो कार पार्क की थी उसके बहुत कम समय में एनएसएफ के लिए वहां पहुंच गई, अब आई थिंक परिवार ने मना कर दिया कि वो पहले से निधि को नहीं जानते, अंजलि के साथ कोई संबंध नहीं थे, दोस्ती नहीं थी। देखिए मैं इतना कहूंगा कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी कितनी नहीं थी वो एक उनका पर्सनल इशू है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है मैं इतना कह सकता हूं कि जैसे 31st का इंसिडेंट है और 30, 29 इसके 20-25 कॉल हो रखी हैं, तो एंड द वेरी फैक्ट कि वो एक स्कूटी पे थी तो वो फ्रेंड थी या नहीं थी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। तो
सर मेरा एक सवाल है कि अमित का भाई क्या अंकुश है या आशुतोष है? निधि सिर्फ एक विटनेस है, फिलहाल निधि को एक विटनेस के तौर पर ही देखा गया है, उसके स्टेटमेंट को एज इट इज रिलाय किया गया पुलिस द्वारा। वो तो कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, दैट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। गाड़ी टकरी तो अक्सर पता चलता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द अपडेट्स।